इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे LIC के वो 7 प्लान्स जिसमें निवेश करने से आपको मिलने वाला है अपनी इन्वेस्टमेंट पर मैक्सिमम रिटर्न। इन सभी बताए गए प्लान्स में LIC द्वारा एडिशनल राइडर्स, लोन फैसिलिटी, टैक्स बेनिफिट, फ्री लुक पीरियड, ग्रेस पीरियड जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ आपको इन पॉलिसी प्लान्स की खास विशेषताएं ही बताएंगे जिसके बेसिस पर आप एक अच्छी पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। पहला प्लान है LIC न्यू जीवन आनंद। LIC न्यू जीवन आनंद के अंदर एक व्यक्ति 80 रुपए दिन का जमा करने पर ले सकता है 90 लाख रुपयों का प्रोटेक्शन, जिसमें से 50 लाख के करीब होगा उसका मैच्योरिटी बेनिफिट और 40 लाख के करीब डेथ बेनिफिट, वो भी जिंदगी भर के लिए। LIC न्यू जीवन आनंद लेने के लिए व्यक्ति की एज 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। पॉलिसी टर्म आप यहाँ 15 से 35 साल के बीच चुन सकते हैं और मिनिमम सम मैच्योर्ड यहाँ रहेगा 1 लाख। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक 25 साल का व्यक्ति यहाँ 80 रुपए दिन का या फिर 2500 के करीब महीने का ले सकता है 10 लाख का सम मैच्योर्ड, जिसकी मैच्योरिटी होने तक उसके पास रहेगा तकरीबन 90 लाख का ओवरऑल प्रोटेक्शन। दूसरा प्लान जो हम आपको सजेस्ट करेंगे वो है LIC जीवन लाभ। LIC जीवन लाभ प्लान की टैगलाइन है प्रीमियम रुक जाए, फायदे चलते रहें। और बिल्कुल इसी तरीके से ही LIC ने इस पॉलिसी प्लान को तैयार करा है, जहां आपको सिर्फ कुछ साल प्रीमियम भरना है और बाकी के बचे पॉलिसी टेन्योर में व्यक्ति को कोई प्रीमियम नहीं भरना। इसको लेने के लिए व्यक्ति की एज 8 to 59 ईयर्स के बीच होनी चाहिए और मैक्सिमम सम मैच्योर्ड व्यक्ति यहाँ ले पाएगा 2 लाख रुपए। LIC जीवन लाभ यहाँ 3 महत्वपूर्ण ऑप्शंस देती है जिसमें से आपको सिर्फ एक ही का चुनाव करना है। वो 3 ऑप्शंस हैं 16 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड 25 ईयर्स। 16 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में आपको यहाँ सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरना होगा, 21 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में 15 साल प्रीमियम और 25 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में सिर्फ 16 साल तक ही प्रीमियम भरने की आवश्यकता है। इस पॉलिसी में एक व्यक्ति 65 रुपए दिन का भरकर आसानी से ले सकता है 13 लाख रुपयों का मैच्योरिटी बेनिफिट, 10 लाख तक का अलग से डेथ बेनिफिट और 9 साल प्रीमियम भरने से छूट। तीसरा प्लान जो हम आपको सजेस्ट करेंगे वो है LIC जीवन लक्ष्य। LIC जीवन लक्ष्य कोई भी 18 से 50 साल का व्यक्ति ले सकता है। ये पॉलिसी प्लान उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है जो अपनी फैमिली या चाइल्ड प्लानिंग करना चाह रहे हैं। इस प्लान में व्यक्ति को कुछ हो जाने पर उसके आगे के प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और ये पॉलिसी चलती रहती है, जिसका सीधा बेनिफिट मिलता है व्यक्ति के परिवार को, जिन्हें बिना प्रीमियम भरे इसका मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है। और तो और, अगर व्यक्ति ने यहाँ 10 लाख का बीमा ले रखा हो तो मैच्योरिटी होने से पहले ही हर साल उसके परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को कुछ ना होने पर भी ये पॉलिसी उसे देती है हाई रिस्क कवर प्लस सेविंग्स प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट। इस पॉलिसी के आखिरी 3 सालों में यहाँ व्यक्ति को कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ता, यानी कि जो भी उसका पॉलिसी टर्म रहता है उसके आखिरी 3 साल हैं व्यक्ति के लिए प्रीमियम फ्री। इस लिस्ट का चौथा प्लान है LIC जीवन उमंग। LIC जीवन उमंग एक होल लाइफ इंश्योरेंस प्लस गारंटीड रिटर्न प्लान है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 90 दिन दी गई है। जनरली लोग इस प्लान को रिटायरमेंट प्लानिंग करते वक्त या अपने बच्चों के सिक्योर भविष्य के लिए चुनते हैं, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि यहाँ कुछ साल प्रीमियम पे करने के बाद व्यक्ति को जिंदगी भर अपने चुने गए सम मैच्योर्ड का 7 से 8% मिलता रहता है। और अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसकी फैमिली को डेथ बेनिफिट भी दे दिया जाता है। मान लीजिए अगर किसी ने यहाँ 10 लाख का सम मैच्योर्ड चुना अगले 15 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ, तो 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद यहाँ व्यक्ति को हर साल अपने 10 लाख का 8% मिला करेगा, यानी हर साल 80,000 रुपए जब तक वो व्यक्ति जिंदा है एज एनुअल सर्वाइविंग बेनिफिट। इस बीच अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो उसकी फैमिली को मिलता है एक अच्छे अमाउंट का डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी 100 साल पर होती है। अगर व्यक्ति यहाँ 100 साल जीवित रह जाता है तो LIC उसे यहाँ उसका मैच्योरिटी बेनिफिट देती है। अब हमारी लिस्ट में पांचवा प्लान है LIC न्यू मनी बैक प्लान 25 ईयर्स। LIC न्यू मनी बैक प्लान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है। यहाँ 25 साल के पॉलिसी टर्म में व्यक्ति को सिर्फ 20 साल ही प्रीमियम भरना होता है। इस प्लान की खास बात ये है कि यहाँ व्यक्ति को प्रीमियम भरने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हर कुछ सालों में यहाँ उसे कुछ पैसा मनी बैक की फॉर्म में दे दिया जाता है। इस प्लान में व्यक्ति के चुने गए सम मैच्योर्ड का 15% अमाउंट उस व्यक्ति को हर 5वें, 10वें, 15वें और 20वें साल में दे दिया जाता है, यानी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से पहले ही उसके सम मैच्योर्ड का 40% उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी का 60% सम मैच्योर्ड प्लस बोनसेस उसे मिलते हैं पॉलिसी मैच्योरिटी पर।
पॉलिसी के चलते दौरान अगर यहाँ व्यक्ति को कुछ भी हो जाता है तब भी उसके परिवार को ये प्लान अलग से डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करती है। LIC न्यू मनी बैक प्लान 25 इयर्स को कोई भी 13 से 45 साल तक का व्यक्ति ले सकता है मिनिमम 1,00,000 के सम एश्योर्ड के साथ। इस लिस्ट का छठा प्लान है LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। ये प्लान फिक्स डिपॉजिट प्लस इंश्योरेंस कवर दोनों का काम करता है। यहाँ व्यक्ति चाहे तो सिंगल प्रीमियम जमा करके एक फिक्स डिपॉजिट की तरह अपने अमाउंट पर अच्छा इंटरेस्ट कमा सकता है और उसके साथ साथ उसे डेथ बेनिफिट भी दिया जाता है कि इन केस उसे कुछ हो जाता है तो उसके परिवार को फिक्स डिपॉजिट विद इंटरेस्ट तो दे ही दिया जाएगा लेकिन उसके साथ साथ डेथ बेनिफिट भी दिया जाएगा। सातवें और आखिरी प्लान में हम यहाँ लोगों को रिकमेंड करेंगे LIC का आधार स्तंभ प्लान और आधारशिला प्लान। ये प्लान उन लोगों के लिए है जो नॉर्मल प्रीमियम भरना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये दोनों प्लान ही LIC के सबसे लो प्रीमियम प्लान हैं। कौन से हैं LIC के बेस्ट पेंशन प्लान्स जाने स्क्रीन पर शो हो रहे इस वीडियो में और इन बताए गए किसी भी प्लान में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।